बहुत ही टेस्टी है। क्या छोटे बेबी की फेवरेट डिश बन रही है? छोटा बेबी हमारे साथ खड़ा है और वो हमारे साथ बना रहा है। क्या चीज बना रहा है? मोज़रेला स्टिक्स। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसमें आपने लेना है मोज़रेला की जो स्टिक्स होती है वो आपने छोटी छोटी इस तरह से काट के फ्रीज, थोड़ी सी फ्रीजर में फ्रीज कर लेनी है, बिल्कुल वो ना हो के चिपकी चिपकी सी, तो इसलिए थोड़ी सी हमने इसको काट के फ्रीज कर लिया। टू एग्स ले लें और उसमें आप 1 टेबलस्पून मिल्क लेंगे और ब्रेड क्रम्स लेंगे और यहाँ पे जो है हमने मैदा ले लिया। अच्छा, ये भी 1 मिनट। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एग्स को जो है हम बीट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, ये बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही थोड़े इन्ग्रीडियंट्स में ये बहुत ही यम्मी बन जाती है और ये बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। देख रहे हैं आप, इस तरह से आपने एग को अच्छे से बीट किया। इसमें आप 1 टेबलस्पून मिल्क ले लेंगे और थोड़ा सा आप टेस्ट के लिए सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ठीक है, अच्छे से बीट करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइस पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देंगे, ताकि थोड़ा सा ये टेस्टी और स्पाइसी हो जाए। इसको आप अच्छे से बीट करें ऐसे। मम्मा नीचे गिर गई थी। इसको ना खाएं, आजकल बहुत ज्यादा एहतियात रखिए हर चीज की सफाई का, अपने हैंड्स वॉश करके हमेशा खाना बनाएं और बच्चों के भी हाथ और हर चीज साफ रखें। बेबी इसको आप साइड पे कर दें जो गिर गया। अच्छा, अब आपने क्या करना, उतनी देर हीट को ऑयल जो है उसको गर्म कर लें। ठीक है, और अब हम अपने हैंड्स को थोड़ा सा ऐसे सेट करेंगे और स्टिक्स को जो है हम लेते जाएंगे, लेकर पहले एग में डिप करेंगे, फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और फिर ये वाली कोटिंग दोबारा करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे। इस तरह ये स्टिक्स जो हैं वो आपकी अच्छे से सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह दोबारा ऐसे करेंगे। ओके, आप चेयर ले लें बेबी। आपने अंडे में डिप किया, एग में, ब्रेड क्रम्स में और फिर आपने इसको मैदे में। मैं अपना दूसरा हाथ इसलिए नहीं यूज़ करती, राइट लेफ्ट का मुझे होता है, तो मैं राइट हैंड से ही सारा काम करती हूँ। ठीक है, आप दूसरी दफ़ा कोटिंग फिर करेंगे। इसी तरह सारी स्टिक्स को कर लें, उतनी देर हमारा जो ऑयल है वो हीट गर्म होता रहेगा। यू कैन सी हमने जो है सारी सारी मोज़रेला स्टिक्स की अच्छे से कोटिंग कर ली है। और याद रखिए कोटिंग जो आपने बड़े मतलब डबल ट्रिपल टाइम्स कोट करना है उसको अच्छे तरीके से, जो मैंने आपको मिक्सचर बताया था, उसके बाद आप कोशिश करें कि इसको थोड़ी देर के लिए हाफ आवर के लिए फ्रीज कर लें, तो ज़्यादा अच्छा रिफाइंग हो जाती है। अब हम इन स्टिक्स को जो है वन वन करके फ्राई कर लेंगे। ठीक है, आप कितनी यम्मी फ्राई हो रही है। ये देखिए इनका कलर जो है वो चेंज होना शुरू, बच्चों को साइड पर कर दे बेबी, अभी इसका ऑयल ना आपके ऊपर आ जाए। तो आपने इस तरह से स्टिक्स को फ्राई कर लिया, तो बहुत टेस्टी बनती हैं और रेस्टोरेंट्स में मुख्य जगह पे बच्चे ले के इसको बड़े इन्जॉय करते हैं, तो मैं ये घर पे ही कोशिश करती हूँ बच्चों को ये बनाऊँ। ये देखिए कितनी झटपट बनने वाली रेसिपी है और ये बहुत ही यम्मी होती है, फ़ायदेमंद भी बहुत है, क्योंकि ये चीज़ है, चीज़ बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। तो अब हम इसको जल्दी से फ्राई करके इस तरह से इसको सॉइल जो है वो जल्दी कर लेंगे और इसको जाएंगे, इनको ज़्यादा ना ही लाएँ क्योंकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा। ओके काम दीदी, सिट डाउन है पोजीशन की पोजीशन पर बैठे, अच्छे से ये मोज़रेला स्टिक्स आपकी फ्राई हो गई है, इनको 5 मिनट तक आपने फ्राई किया है और ये ज़्यादा मत हिलाएं, जितना हिलाएंगे ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, अब आपने अपने फोर्क लिया है और आपने फोर्क का टेस्ट करना। ठीक है, ओके, इसको अब आप निकाल लें स्टिक्स को। ये देखिए चीज़ कितना मेल्ट हो रहा है, सो यम्मी। आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से बन गया, अब इसको बेबी जो है वो टेस्ट करेगी। बेटी बेबी टेस्ट करें, इसके फॉर्क पे लगाएं ऐसे। ये देखिए कितनी अंदर से भी क्रिस्पी और इस तरह से इसकी ना चीज़ वाला आ रहा है,
तो ये बहुत ही यम्मी और अच्छी स्टिक्स बनती हैं, सो मच फ्लेवरफुल। ओके बेबी टेस्ट इट। जिसको जो दिख रहा है आपकी वीडियो बन रही है, जल्दी से टेस्ट करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं कैसा है। वाओ ओके, ये देखिए यम यम कर रहा है बेबी। ओके अब अल्लाह हाफिज करें सबको, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।